हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेब टेक हट। दोस्तों, टेलमेंट की इस वीडियो में हम सीएसएस की जो ग्रिड प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे कि टेलमेंट में हमने ग्रिड प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि ये टेलमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ग्रिड वाले मेनू में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ग्रिड की सीएसएस दिख जाएगी कि ग्रिड कॉल वन में ये सीएसएस अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ग्रिड दोस्तों बहुत ही एक यूज़फुल प्रॉपर्टी है जो हम सीएसएस में भी यूज़ करते थे। तो लेआउट वगैरह वेबसाइट का जब हमने सेट करना होता था तो ग्रिड की प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये टेलमेंट पे मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसी का ये एक वीडियो है। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके और टेलमेंट को हम एक प्रोजेक्ट में कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं। तो आगे और भी फ्लैक्स बॉक्स की भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो बेसिक से लेके आगे एक्सपर्ट लेवल तक मैं आपको बताऊँगा इस टेलमेंट की पूरी प्लेलिस्ट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपना कोड एडिटर खोल लेता हूँ ड्रीमवीवर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंटेनर ले रखा है। ठीक है, तो ये टेलमेंट का प्रोजेक्ट मैंने पहले ही सेट कर रखा है। पिछली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि भी कैसे कंटेनर काम करता है और एमएक्स ऑटो कैसे काम करता है। तो ये आप पिछली वीडियोज़ ज़रूर देखें सारी इस प्लेलिस्ट की, तो शुरू से लेके ही देखें मैं कहता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर ये देखिए मैंने दे रखा है, एक कंटेनर के बीच में एक और डिव ले रखा है और उसके बीच में मैंने ये 12 डब्बे बना रखे हैं और उनको तो एक ही बल्क कलर दे रखा है। ठीक है, तो इसको ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश मैं करता हूँ। ये देखिए आपको सभी एक ही कलर दिख रहा होगा लेकिन ये अलग अलग डब्बे हैं, अलग अलग डिव हैं। ये देखिए 1 2 3 ऐसे अलग अलग डिव हैं। तो अब हम यूज़ करते हैं टेलमेंट की जो ग्रिड प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहले तो वो ग्रिड प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, इन डब्बों का पेरेंट डिव है, यहाँ पे आप क्लास लिखेंगे ग्रिड। जैसे कि ये ग्रिड क्लास डिस्प्ले ग्रिड जो क्लास होती है सीएसएस की, उस वो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो ग्रिड लिख लिया। तो अब हमें, मैं चाहता हूँ कि 3 कॉलम चाहिए, तो मैं ग्रिड यहाँ पे आपको ऑप्शन भी शो हो रहे हैं, जैसे कि 3 चाहिए तो ग्रिड कॉल्स 3। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ। ये देखिए जैसे नीचे एक के नीचे आ रहे हैं तो ये साइड बाय साइड हो जाएंगे, ये रो वाइज वाले तो आपको दिख रहे हैं तो ये कॉलम वाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 ऐसे दिखने लग पड़े आपको। ये देखिए पहला डिब, दूसरा डिब और तीसरा डिब। ठीक है, ऐसे बॉक्स आपको देखने लग पड़े। तो अब मैं यहाँ पे ग्रिड इनके बीच में थोड़ा गैप देना चाहता हूँ, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड की गैप। ठीक है, गैप के बीच में जो इन्होंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है वो ग्रिड गैप वाली होती है। तो 1 भी दे सकते हैं लेकिन मैं इसको 2 देता हूँ, थोड़ा सा गैप मार्जिन आपको पता चल सके अलग अलग डब्बे कैसे काम कर रहे हैं। ये देखिए अब आपको क्लियर दिख रहे होंगे, तो ऐसे ग्रिड प्रॉपर्टी काम करती है। जैसे कि यहाँ पे मुझे, अब मैं 3 दिखा रहा हूँ, मुझे 2 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉलम 2 लिख देता हूँ। ये देखिए इस बाई ये कॉलम होते हैं और ये पूरी एक रो होती है। ठीक है, ये 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम मैं 6 लिख लूँ तो 6 बॉक्स बन के आ जाएंगे इक्वल मेरे पास। ठीक है, शीशे के कॉलम बन जाएंगे, जैसे बूटस्ट्रैप में कॉलम होते हैं, बूटस्ट्रैप में 4 4 के ज़्यादा होते हैं कॉलम, तो हम 4 4 के यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 4 के बूटस्ट्रैप की, जैसे ये देखिए बूटस्ट्रैप में 4 3 कॉलम होते हैं आई थिंक, तो
अगर आपको नहीं पता तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की बात नहीं, अभी हम टेलमेंट की बात कर रहे हैं, तो टेलमेंट के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे आप कॉलम सेट कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि ये वन वाला कॉलम मैं इतना बड़ा लूँ, ठीक है, टू वाले की जगह में मिले, ठीक है, इससे आगे ये गैप शुरू हो, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है। जैसे मैं स्पैन वन लिख दूंगा तो वन तो वन ही है, ठीक, वन तो बाई डिफॉल्ट वो कॉलम ले ही रहा है, तो कॉल स्पैन टू, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ प्रॉपर्टी को, और नीचे वाला, क्योंकि मुझे वन वाला डब्बे पे ये अप्लाई करना है कि वन वाला दो की जगह तक आए, तो टू की जगह तक आए। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों वीडियो एंड तक दीजिए, देखिए, या इस वीडियो में मैं एंड तक आपको कस्टम ग्रिड लगाना भी सिखाऊंगा कि कस्टम आप लेआउट कैसे सेट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो वो ये बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ऐसा हो गया, अगर मुझे ये चाहिए तीन तक तो स्पैन तीन लिख दूंगा मैं, ठीक है, ये तीन डब्बों तक पहला डब्बा ही आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अगर मुझे पूरा एंड तक चाहिए तो मैं फुल लिख सकता हूँ, फोर भी लिख सकता हूँ, तो वैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फुल की, ठीक है। ये देखिए कॉल स्पैन फुल, ये प्रॉपर्टी लेता है ग्रिड कॉलम की, जो CSS है वो वन माइनस वन भी एंड तक जो डब्बा है एक रो में वहाँ तक कॉलम खींच लेगा पहले वाले को। ये देखिए इसको मैं फुल ही कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये एंड तक चला गया। ऐसे ही दोस्तों आप रो वाला भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है स्टार्ट वन, कहाँ से स्टार्ट हो ये और कहाँ से चले भी, ये भी वैसे ही काम करती है जैसे कॉल वन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वो वन वाले पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कॉल वन से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी एंड एंड थ्री तक, ठीक है। इसमें इसके और स्पैन के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। जैसे कि वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम, स्पैन अगर थ्री लिखते हैं तो यहाँ तक आता है, ठीक है, बट ये यहाँ तक आएगा टू वाले, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से कैलकुलेट करता है वन और यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री, ठीक है। तो अब ये ऊपर वाला यहाँ तक आएगा, तो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे आ गया, तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है ग्रिड टेम्पलेट रो, रोज़ यूज़ कर सकते हैं, कितने रोज़ डिफाइन करने हैं ये ऊपर हम, मुझे यहाँ पे तीन रोज़ चाहिए तो ऊपर यहाँ पे मैं इसके साथ रोज़ भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रोज़ डिफाइन कर दिया, लेकिन ये पहला रो ऊपर वाला एंड जो यहाँ से लेफ्ट और राइट की तरफ से एंड तक पूरा एक रो ही कहलाता है, ठीक है। तो ये पहला रो हो गया, ये यहाँ तक सारे तीन रो हो जाएंगे, यहाँ अगर इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है। तो रो को अगर हमने नीचे खींचना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये चौथे वाला एट वाले की तरफ नीचे जाए, ठीक है, ठीक है, रो वाइज कि वो फोर से लेके एट तक मैं यहाँ पे एक ही डब्बा बनाना चाहता हूँ फोर वाला, तो फोर वाले को मैं खींचूँगा यहाँ पे, रो स्टार्ट एंड वाला ऑप्शन है वैसे ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे काउंट होगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रो स्पैन थ्री लगा देता हूँ फोर वाले में, ठीक है, भी ये तीन रो आगे खिसक जाए ऊपर से, तो
तीन तीन रो में तीसरे रो तक आ जाए, जैसे पहला रो तो ये ऊपर हो गया एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, ठीक है, तीन रो खिसक गया, 1 2 3, 4 से लेके वन तक खिसका है, 4 पहला काउंट होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं अपना लेआउट, ठीक है। तो अगर ये इसके अखीर वाले को मैं चाहूँ कि मैं पूरा बड़ा एक डब्बा बनाना चाहता हूँ, तो एंड में 12 वाले को मैं लगा देता हूँ कॉल, जैसे कि मैंने ऊपर वाले को लगाया था। फुल फुल वाला ही मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, स्टार्ट एंड में एक फुल वाली प्रॉपर्टी थी। तो ऐसे हम इसको हेडर और फुटर में यूज़ कर सकते हैं। कॉल स्पैन का फुल, ये देखिए, कॉल स्पैन फुल, इसको कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पे लगाइए, और मैं रिफ्रेश अप करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक कस्टम लेआउट बनाना चाहता हूँ, तो कस्टम लेआउट आप कैसे बनाएंगे? जैसे कि ये डब्बे, तीन चार चार डब्बे आ रहे हैं, ये इनकी इक्वल वेट्स है, ठीक है। मुझे चाहिए किसी की बड़ी वेट्स, किसी की छोटी, ठीक है। ऐसे हम लेआउट में होता ही है, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्शन एक होता है, या जैसे पहले यहाँ पे साइड पर छोटा होता है, यहाँ से लेके आगे ये कंटेंट होता है। तो ऐसे आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ग्रिड की जो टेम्पलेट कॉलम की प्रॉपर्टी है वो 12 तक का है। हम 12 अगर लिखेंगे तो 12 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। अगर इससे मैं ज़्यादा कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे बनाऊँगा? यहाँ पे मैं सिंपल 12 लिख देता हूँ एक बार, ये देखिए, ये 12 कॉलम बन चुके हैं। ये इनको एक बार मैं हटा देता हूँ, जो मैंने कॉल स्टार्ट और एंड वाले लगा रखे हैं, ठीक है, इनको हटा दिया। ये देखिए पूरे 12 कॉलम बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 12 डब्बे थे। तो अगर मैं इससे आगे एक डब्बा और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि 13 कॉलम बने, तो वो मैं कैसे करूँगा? ये देखिए, एक ही रो में इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो वहाँ पे 12 है, तो ये अगली लाइन में आ गया। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने कस्टम अपने हम ग्रिड कॉलम 13 वाले को दे सकते हैं। तो इसके लिए हम नीचे यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने हमें कस्टमाइजेशन भी एक बता रखी है, tailwind.configure.js। दोस्तों जब हमने ये पूरा टेलमेंट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था, तो आपको tailwind.configure.js की फाइल एक मिली थी, npx इंस्टॉल init जब हमने कमांड npm में डाली थी, तो ये हमें एक फाइल मिली थी, ये कस्टमाइजेशन के लिए थी, मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पे भी आपको बोल रहा हूँ, किसी ने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो शुरू से देखिए, ताकि आपको इसकी समझ आ सके, ठीक है, कि ये कौन सी फाइल है और कैसे काम कर रही है। तो आगे भी ये जिसमें जो हम चेंजेस करेंगे, वो भी अगर आपको इंस्टॉलेशन npm के थ्रू आती होगी तो आप कर पाएंगे, वरना अगर आप डायरेक्ट cdn यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि tailwind.configure.js फाइल अपनी पहले ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसी फोल्डर की ये फाइल ओपन कर रखी है, इसी प्रोजेक्ट की। तो यहाँ से मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जो एक्सटेंड में है इसमें मैं डाल देता हूँ, क्योंकि ये नया मैं अपना ग्रिड बना रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट 16 वाला बना रखा है, तो इसको मैं एक बार रहने देता हूँ, 13 वाला आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 16 कॉलम बनेंगे 16 वाले से, तो इसको मैं सेव करता हूँ। ऐसे जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं 13 लिखता हूँ, तो क्या होगा, ये काम करेगा? देखते हैं, ये काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए वो नहीं काम कर रही प्रॉपर्टी, ठीक है।
बाय डिफॉल्ट जैसे ही ग्रिड होते थे वो आ रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इंस्टॉलेशन में मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें पैकेज डॉट जेसन फाइल थी, इसमें मैंने बिल्ड कर रखा था स्क्रिप्ट में। तो ये क्या करता था कि टेलमेंट की जो सी एस एस इसमें एक फाइल है उससे ये बेस वाली फाइल से ये आगे टेलमेंट डॉट सी एस एस में सी एस एस कंपाइल करके देता था। तो इस फाइल को हमें कमांड को रन करना पड़ेगा, तो वो हम रन कैसे करते हैं वो तो आपको मैंने बता ही रखा है। तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ किसी ने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो पूरी एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या हो रहा है। तो सी एम डी, मैं उसी फोल्डर में ये सी एम डी ओपन करता हूँ अपना, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं सिंपल एन पी एम रन बिल्ड, ये कमांड रन करने से पहले मैं देख लेता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे जो ये सेव कर दिया है इसको सेव कर देता हूँ, एन पी एम रन बिल्ड, इसको एंटर लगाता हूँ। ये देखिए अब इसने कंपाइल करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखिए इन्होंने कंपाइल कर दिया और कुछ नोटिस मुझे दिए अपडेट वगैरह की, ठीक है। तो वो मैं बाद में कर लूँगा। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे जाके, तो ये देखिए 13 कॉलम वाले हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम कॉलम सेट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए, ठीक है, 13 कॉलम मैंने सेट कर लिए। अब मेरा ड्रीम वीवर थोड़ा रिस्पांस इसने घटा दिया क्योंकि उधर से एन पी एम ने फाइल चेंज की है। तो ये देखिए अपडेट कर रहा है उस फाइल को। तो ये देखिए 13 वाला ऑप्शन था तो हमने उधर 13 लगाया। इंडेक्स वाले में भी कितने कॉलम चाहिए हमें ग्रिड में, तो इसने ये 13 वाला ये उठा दिया। अभी 13 कॉलम बना दो एक समान वेट्स वाले, ठीक है। तो अब एक बात और है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मेरा कस्टम लेआउट चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे कैसे बनाऊँगा कस्टम लेआउट को? तो जैसे कि मुझे यहाँ पे ये कॉलम, पहला कॉलम बड़ा चाहिए, ठीक है, और एक मैं इधर साइड बार डालना चाहता हूँ। साइड बार भी अक्सर कॉलम में ही आएगा तो उसका जो विड्थ होगा वो कम होगा, आगे ये सेक्शन वाला ज़्यादा होगा। तो मैं पहला कम कर लेता हूँ कॉलम, तो बाकी वाले को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 2 कॉलम ही चाहिए, तो उसके लिए मैं एक कस्टम यहाँ पे इसके नीचे इस सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको डालता हूँ। और इसको आप नाम कोई भी दे सकते हैं, मैं इसको नाम दे रहा हूँ सी ले आउट। भी कॉलम का जो लेआउट है वो ऐसा दिखना चाहिए। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पहला मुझे चाहिए 200 पिक्सल का, ठीक है। उसके आगे वाला मैं कर देता हूँ जैसे कि इन्होंने नीचे लिख रखा है, भी कम से कम 900 पिक्सल का तो हो ही, बट अगर ऐसा ना तो जितनी भी जगह वो हो अपने आप ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कोई एरर नहीं है, ये तो वैसे ही बता रहा है क्योंकि ये गैप वगैरह का है। तो इसको सी लेआउट मैंने नाम दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो सबसे पहले तो कंपाइल उसमें यूज़ करूँगा अपने कॉलम वाले लेआउट में। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। और अब मैं कमांड रन करूँगा एन पी एम रन बिल्ड, क्योंकि हमें फिर से हम अपडेट कर रहे हैं तो सी एस एस फिर से कंपाइल करनी पड़ेगी। तो इसने कंपाइल कर दी है, ठीक है। तो इधर हम, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि इधर हमने सेव नहीं किया, इधर मुझे लगता हमने सेव नहीं किया था, तो एक बार फिर देखते हैं। ये देखिए पहला 200 पिक्सल का, उसके बाद ये देखिए पूरा जितना कंटेनर का वेट था उसने ले लिया, ठीक है। कम से कम उसने उन्होंने 900 पिक्सल का तो हमें देना ही था, ठीक है, क्योंकि मिन मैक्स हमने उसमें डिफाइन कर रखा है। ऐसा हो गया तो ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे हेडर सेक्शन और फुटर तीन ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कस्टम रो भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये रो वाले में ऑप्शन है ग्रिड टेम्पलेट रोज, तो यहाँ पे मैं कस्टम ग्रिड की रो भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ सारे को, यहाँ पे थोड़ा अपडेशन में ये टाइम लगाएगा, ठीक है। जब तक ये करता है तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, ये ग्रिड की रो जब हम रोज के आगे ठीक है ये टाइप करेंगे तो ये इतने 8 रो हमें बना देगा एक बराबर, ठीक है। वैसे ही ये हम भी ऊपर वाली हमें कितनी चाहिए, बीच वाला सेक्शन कितना चाहिए और ये नीचे वाला कितना चाहिए, ये डिफाइन कर सकते हैं लेआउट में, ठीक है। तो ये ही हम यूज़ करेंगे मेन, तो इसको सारे को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी देखिए देखिए ड्रीमवीवर हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से ऊपर वाला हेडर हो जाएगा, नीचे मैं फूटर बनाऊंगा और बीच में सेक्शन होगा जो बड़ा होता है, और उसमें यहाँ पे मैं ये साइड बार बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे एक सेक्शन। तो उसके लिए मुझे 3 रो चाहिए, पहली हो गई, दूसरी ये सारी हो जाएगी 3 से लेके 11 तक, ठीक है। आखिर में ये जो 13 वाली है ये एंड पे रह जाएगी। तो मुझे बेसिकली 1 2 3 4 4 कॉलम चाहिए। तो एक बार तो मैं लेआउट वाला यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सी लेआउट, यहाँ पे इसको हम आर लेआउट नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो पहली 200 वाली 900 ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही काम करेगी। इसको सेव करते हैं और इस फाइल को जो है इंडेक्स वाले में यहाँ पे ग्रिड रोज और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इतनी रो वाला लेआउट हमारा जो है वो लग जाएगा, तो इतना हो गया। अब मुझे इतने डब्बों की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं 5 ले लेता हूँ। तो इसको मैं सेव करता हूँ दोस्तों, अभी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। नॉर्मल वो उसने वो डब्बे काट डाले, बट ये रोज़ वाला अभी नहीं आया, तो उसके लिए हमें फिर कंपाइल करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, npm रन और यहाँ पे बिल्ड, ठीक है, ये हो चुका है बिल्ड। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी भी आपको दिख नहीं रहा इफेक्ट, तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं वापस से। अभी थोड़ा मेरा ड्रीमवीवर और टाइम लेगा, ये देखिए ये देखिए ये दोस्तों कमाल हो गया आपके सामने, ये लेआउट बन के आ चुका है। ये देखिए ये हेडर वाला सेक्शन, हेडर वाला सेक्शन को अभी मैं स्पैन कर दूंगा पहले से लेके दूसरे तक, तो फुल भी कर सकता हूँ, इसको फुल ही कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हेडर वाले को स्पैन कर देना है, तो वैसे ही फुटर वाले को स्पैन कर देना है, तो आपका ये पूरा लेआउट वेबसाइट का तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ये हेडर होगा, ये साइड बार होगा और ये कंटेंट सेक्शन होगा। एक बार वहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, बट ये देखिए फिर मेरा ड्रीमवीवर, अगर मैंने उधर से फाइल अपडेट की तो ये थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसको अपडेट करने वाला है पूरे ड्रीमवीवर को ही, तो ये मैं बाद में करूँगा। तो अभी थोड़ा ये टाइम लेगा दोस्तों, उतना टाइम मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि
लंबी ना हो ज़्यादा। चलिए दोस्तों, अब मैंने क्या करना था, मैंने आपको बताया कि मैंने हेडर वाला जो है और फुटर वाला वो स्पैन करके पूरा लेआउट बनाना था। तो हेडर वाला यहाँ पे मैं हेडर ही लिख देता हूँ पहले, हेडर ठीक है। इसको मैं स्पैन करता हूँ कॉल कॉल स्पैन स्पैन, और यहाँ पे मैं ऑप्शन टाइप करूँगा फुल, कॉल स्पैन फुल, और इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो आपको इफेक्ट दिखेगा। ये देखिए पूरा हेडर एक बन चुका है मेरा, और ये यहाँ पे जो है साइड बार है, साइड बार दूसरे वाले में है, तो यहाँ पे दूसरे में हम लिख देते हैं साइड बार ताकि आपको दिख सके, साइड साइड ही लिख देते हैं इसको। और तीसरे वाला जो है हमारा वो सेक्शन है, कंटेंट वाला सेक्शन। तो अब एक आखिर में हमने एक ही रखना है ठीक है, आखिर में हम फाइव वाले को हटा देंगे, फोर वाले रखेंगे। तो फाइव वाला हटा के यहाँ पे हम फुटर लिख देंगे। दोस्तों ये कितना इजी है ठीक है, ये ग्रिड तो आपको अगर आपने सीएसएस में नहीं इसके बारे में पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए, सीएसएस में ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। फ्लोट पोजीशन वगैरह को आप भूल जाएंगे, पूरा लेआउट डिज़ाइन हो जाता है वेबसाइट का। तो यहाँ पे इसको हम स्पैन कर देंगे, कॉल स्पैन फुल ठीक है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये देखिए दोस्तों मैजिक। ये देखिए फूटर भी हमारा बन गया है ठीक है, सेक्शन साइड, ये पूरा वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर लिया हमें ग्रिड ग्रिड का यूज़ करके। तो ऐसे आप कस्टम ग्रिड भी, कस्टम रोज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है। तो इसमें यहाँ से ये मान लो ऑटो ग्रिड, ऑटो कॉलम्स, ग्रिड ऑटो रो, ये ऑप्शन है, ये आप खुद पढ़ लीजिए। ये होता है भी जैसे भी जितना भी कंटेंट हो, ये ग्रिड कॉल्स में जितना कंटेंट हो उतनी जगह लेगा मैक्स, जितना मैक्स कंटेंट हो। तो ये आप खुद से ट्राई करके देखिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। और मेरी प्लेलिस्ट पूरी एक्सेस कीजिए, शुरू से लेके एंड तक देखिए देखिए, और आप टेलवेंड सीएसएस में पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे दोस्तों। और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।